गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे और ये हमारा पार्ट थ्री है। ठीक है, इसमें हम थ्री लिटिल पिग्स की स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसमें क्या बोला गया है, लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी, मतलब कि इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ना और सुनना और एंजॉय करना। ठीक है, वंस देयर वर थ्री लिटल पिग्स, एक टाइम की बात है, तीन लिटल पिग्स थे। एक का नाम था सोनू, एक का नाम था मोनू और एक का नाम था गोनू। ठीक है, सोनू लाइव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रो। जो ये सोनू था, ये कैसे घर में रहता था, स्ट्रो के हाउस में। स्ट्रो का हाउस कैसा होता है, जो कि घास फूस से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रो का हाउस। ठीक है, फिर ये कौन था, मोनू। ठीक है, मोनू लाइव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स एंड गोनू लाइव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, और जो मोनू था, ये जो मोनू था, ये कौन से घर में रहता था, स्टिक्स यानी कि लकड़ी से बने हुए घर में रहता था। ठीक है, और जो गोनू था, वो कैसे घर में रहता था, ये गोनू, ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी कि ईंटों से बने हुए घर में रहता था। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, वन डे अ बिग बैड वॉल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दिन एक बड़ी सी वॉल्फ आती है। ठीक है, और वो सबसे पहले किसके घर आती है, सोनू के घर। ये था ना सोनू का घर, तो वो सबसे पहले सोनू के घर आती है। वॉल्फ क्या होती है, ये लोमड़ी। ठीक है, ही सैड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। और उसने क्या कहा कि मैं एक फूक मारूंगी। आई विल हफ एंड पफ का मतलब क्या होता है, फूक मारना। हफ एंड पफ का मतलब फूक मारना। ठीक है, तो उसने क्या बोला, आई विल हफ एंड पफ, मैं एक फूक मारूंगी एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और तुम्हारा घर गिरा दूंगी। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो द हाउस डाउन। और फिर उसने क्या किया, उसने जैसा बोला था उसने वैसे ही किया। ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, और उसने क्या किया, एक फूक मारी और ही ब्लो द हाउस डाउन, और उसने जो सोनू का घर था वो गिरा दिया। सोनू रन टू मोनूज हाउस। अब जो ये सोनू था, वो भागा भागा किसके घर जाता है, मोनू के घर जाता है। ठीक है, अब द वॉल्फ केम टू मोनूज हाउस। अब जो ये वॉल्फ थी, ये किसके घर आ जाती है, मोनू के घर। तो ही सैड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। अब वह कहता है, ये जो वॉल्फ है, ये कहता है कि आई विल हफ एंड पफ, मतलब कि मैं एक फूक मारूंगा एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं तुम्हारा घर जो है वो गिरा दूंगा। तो फिर सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, और जो वॉल्फ थी, वॉल्फ था, उसने क्या किया, एक फूक मारा, ही ब्लो मोनूज हाउस डाउन, और फिर मोनू का भी घर उसने तोड़ दिया, जो कि किससे बना था, लकड़ियों से बना था, है ना। आगे देखते हैं, अब क्या होता है, सोनू एंड मोनू रन टू गोनूज हाउस। अब ये दोनों जो है, ये किसके घर जाते हैं भाग के, गोनू के घर। ठीक है, जिसका घर किससे बना हुआ था, लकड़ी से, ईंटों से बना हुआ था, यानी ब्रिक से। द वॉल्फ केम टू गोनूज हाउस। अब जो ये वॉल्फ था, ये गोनू के घर आ गया। ही सैड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। अब इस वॉल्फ ने फिर से यही कहा कि आई विल हफ एंड पफ। हफ एंड पफ मतलब फूक मारना, तो मैं एक फूक मारूंगा एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा।
So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. और उसने क्या किया? उसने एक फूंक मारी, huffed and he puffed, यानी फूंक मारी, but he could not blow the brick house down. But वो जो ब्रिक से बना हुआ घर था, वो उसको तोड़ नहीं पाया, ठीक है? क्यों? क्यों नहीं तोड़ पाया? क्योंकि it was very strong. वो क्या था? बहुत ज़्यादा strong था. The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. और फिर क्या हुआ? इसी तरह वॉल्फ जो है वो हार मानकर चला जाता है और सोनू, मोनू, गोनू तीनों के तीनों इस रेड ब्रिक हाउस में खुशी से रहते हैं, ठीक है? तो ये थी हमारी थ्री लिटिल पिग्स की स्टोरी. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है?